दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको दो बड़े ही पावरफुल टिप देने वाला हूं आपकी आउटडोर यूनिट को इंस्टॉल कराने के लिए। देखिए, अब बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि जो स्प्लिट एसी की आउटडोर यूनिट है वो हम कहां पर इंस्टॉल कराएं, उसके लिए परफेक्ट जगह कौन सी है। तो मैं आज आपको दो टिप देना चाहूँगा जो कि आपको ध्यान में रखने चाहिए आउटडोर यूनिट को इंस्टॉल कराते वक्त। अभी देखिए, पहली टिप तो ये है कि इसको ऐसी जगह इंस्टॉल कराएं जहाँ पर इसके ऊपर रेडिएटर के ऊपर डायरेक्ट सनलाइट ज़्यादा देर तक ना रहती हो। सपोज करते हैं मैंने इसको किसी ऐसी जगह इंस्टॉल करा लिया जहाँ पर 3 से 4 घंटे डायरेक्ट सनलाइट इस पर लगती है, तो हमारा एसी बार बार ट्रिप करता रहेगा और हमें इसके रेडिएटर पर बार बार पानी डालना पड़ेगा क्योंकि ये इतनी गर्म हो जाएगी कि ये ट्रिप करता रहेगा। तो पहली टिप तो ये है। और दूसरी टिप, सबसे इम्पॉर्टेंट टिप ये भी है कि इसको ऐसी जगह इंस्टॉल कराएं जहाँ पे कोई शेड हो, नहीं तो रस्ट लगने के कारण, जंग लगने के कारण इसकी जो लाइफ होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो अभी जैसे खुले में इंस्टॉल कराया गया है तो इससे बचें। आपके पास ऐसी कोई शेड अवेलेबल हो, इस तरीके की शेड अवेलेबल हो तो उसके नीचे इसको इंस्टॉल कराने की कोशिश करें ताकि इसकी जो गर्मी है रेडिएटर की वो भी बाहर निकल जाए। जैसे अगर ये यहाँ इंस्टॉल होता, यहाँ पर शेड है तो इसकी गर्मी बाहर निकलती रहती और यहाँ पर ये जंग से भी बचा रहता। बट जब हम खुले में इसको इंस्टॉल करा लेते हैं तो सबसे बड़ा खतरा यही बना रहता है रस्ट का, मतलब जंग लगने के कारण जो आउटडोर यूनिट है उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो ये बहुत ही दो यूज़फुल टिप है आपको ध्यान में रखने चाहिए जब भी आप स्प्लिट एसी की आउटडोर यूनिट को इंस्टॉल करा रहे हो। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है स्प्लिट एसी की आउटडोर यूनिट को इंस्टॉल कराने के लिए या फिर इसके रिगार्डिंग, जैसे पावर कंजप्शन के रिगार्डिंग अभी मेरे को एक कमेंट आया था, अगर आपको मास में, मतलब बहुत सारे लोगों को यही कॉमन डाउट है कि एसी की पावर कंजप्शन को कैसे कैलकुलेट करें, कि हम इसको कितने घंटे चलाएंगे तो कितना बिल आएगा, तो वो अगर आप चाहते हैं तो मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक के ऊपर भी एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।